नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए देख लिया जाए, आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा से बनने वाले प्रश्नों पर। तो देख लीजिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है केचुए मुत्सर्जी पदार्थ होता है। केचुए मुत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया एवं यूरिया। इसका सही उत्तर है अमोनिया एवं यूरिया। इसका सही उत्तर है डी नंबर। देखिए हम आपको बता दें, जो केचुआ होता है नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन म्यूकस तथा मूत्र के रूप में करता है, ठीक है। इनके मूत्र में मुख्य रूप से अमोनिया तथा यूरिया दोनों होते हैं। असमानता यह यूरिया उत्सर्जित करता है, लेकिन जब सांद्रता अधिक होती है तब यह अमोनिया उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि केचुए के वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं? केचुआ में जो वृषण कोष होता है दोस्त, कह रहा है किन खंडों में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है, कह रहा है कि 13 और 14, 9 और 10 और 11 और 12, 10 और 11। इसका सही उत्तर है 10 और 11वें खंड में पाया जाता है। देखिए केचुआ एक बाइसेक्सुअल अथवा हर्माफ्रोडाइट जंतु है। इनमें 10वें और 11वें खंड में टेस्टिस सैक पाए जाते हैं और प्रत्येक जो टेस्टिस सैक होता है उसमें एक जोड़ी वृषण होते हैं, जबकि 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय अर्थात ओवरी पाई जाती है। किसमें? 13वें खंड में ओवरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। तीन नंबर का कह रहा है पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है। पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति कैसी होती है ऐसा कह रहा है? कह रहा है कि न्यूमेरस होते हैं कि ऑकर सिंगली, कि ऑकर सिन बंडल, की फ्यूज्ड। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? अब यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है बहुत सी होती हैं। इसमें सीटी कैसी होती हैं? बहुत होती हैं तथा समूह खंडों में स्थित होती हैं। इस कारण से अब यहाँ पर हम आपको बता दें, न्यूमेरस तो भी यहाँ कुछ लोग न्यूमेरस समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ऑकर सिन बंडल इसका सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। चार नंबर का क्वेश्चन अब कह रहा है पैरापोडिया संबंधित है। पैरापोडिया किससे संबंधित? कह रहा है परिसंचरण से, श्वसन से, कि गमन तथा श्वसन से, कि जनन से। पैरापोडिया किससे संबंधित है बताइए। अब इसमें कह रहा है किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गमन तथा श्वसन से, ठीक है। गमन अर्थात लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन से संबंधित है कौन? पैरापोडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पाँच क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। पाँच नंबर कह रहा है कि जोंक में चूसक पाए जाते हैं। जोंक में जो चूसक होते हैं कह रहा है कहाँ पाए जाते हैं? कह रहे शरीर के अग्र सिरे पर, शरीर के पश्च सिरे पर, पूरे शरीर पर, कि शरीर के अग्र और पश्च सिरे पर। तो जोंक में चूसक कहाँ पाए जाते हैं दोस्त? तो ये पाए जाते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, अर्थात इसका सही उत्तर क्या है? डी नंबर, शरीर के अग्र और पश्च सिरे पर पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए एंटीरियर जो सकर्स होता है उसे अग्र सिरे पर, एक पोस्टीरियर सकर होता है जो पश्च सिरे पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर छः क्या कह रहा है उसको देखिए। छः नंबर कह रहा है जोंक के क्राप में कितने खंड होते हैं? जोंक के क्राप में कितने खंड होते हैं ऐसा कह रहा है? कह रहा है छः होते हैं कि आठ होते हैं कि नौ होते हैं कि दस। इसका सही उत्तर क्या है? 10 खंड होते हैं जोंक के क्राप में, ठीक है। 10 कोस्ट होते हैं पूरे। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है बोटराइडल टिशू पाया जाता है। बोटराइडल टिशू किस में पाया जाता है ऐसा यह प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है कि हिरुडेनेरिया में पाया जाता है। केचुआ में किस कैरिस की नेरिस कहाँ पाया जाता है बोटराइडल टिशू? जोंक में पाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है? इसका सही उत्तर ए है दोस्त, क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि हिरुडेनेरिया की प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा होता है। मोस्ट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन हिरुडेनेरिया इज फिल्ड विथ, किससे भरा होता है? कह रहा है कनेक्टिव टिशू से भरा होता है, कि कह रहा है हीमोसिलोमिक फ्लूड से, कि बोटराइडल टिशू से, स्पंज टिशू। अभी मैंने बात किया बोटराइडल टिशू की, तो इसका सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर नौ क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा में एक अस्थाई क्लाइटेलम इन खंडों में होता है, इन खंडों में बनता है। कौन सा? अस्थाई क्लाइटेलम इन खंडों में बनता है। किस में बनता है? कह रहा है कि यहाँ पर 5 से 7 की, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं 12 से कह रहा है। यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि यहाँ पर 9 से कितने तक? 12 तक, कि 3 से 5 तक। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है 9 से कहाँ तक? 11 तक। कहाँ से? 9 से 11 तक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी। सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। देखिए हम आपको बता दें, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा का जो पूरा शरीर होता है वो पूरा 33 खंड में बटा होता है। कितने? 33 खंड में बटा होता है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था। इसमें जनन काल में 9वें, 10वें और 11वें खंड में क्लाइटेलम बनता है, 9वें, 10वें और 11वें में। और क्लाइटेलम की जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ होता है कोकून का निर्माण करता है। तो यहाँ पर दोस्त 9, 10 और 11, इसका सही उत्तर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्या कह रहा है उसको देखिए। 10 नंबर कह रहा है हिरुडिनेरिया में पश्च सूचक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है? हिरुडिनेरिया में पश्च सूचक का निर्माण कितने खंडों में होता है ऐसा कह रहा है? कह रहा है 2, 5, 7, 10। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है 7, ठीक है।
क्या है इसका? सात, अर्थात सी इसका सही उत्तर है। सी इसका सही उत्तर है। देखिए हिरुडेनेरिया में दो प्रकार के चूषक होते हैं, आप जानते हैं कि अग्र चूषक और पश्च चूषक। और जो अग्र चूषक होते हैं ये तीन खंड द्वारा बनते हैं, और जो पश्च चूषक होता है 27 से 33 खंड में कुल 7 खंडों द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पूछ रहा है? पश्च में ही पूछ रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 7। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट है, इनमें से कौन एक सिलेंट्रेट है, ऐसा ये प्रश्न बना रहा है। कह रहा है कि सी लीली है, कि सी पेन है, कि सी माउस, सी फीडर। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है बी, सी पेन। क्या है? सी पेन एक सिलेंट्रेटा संकर जंतु है। इसका जो नाम है इसे पेन्ना टुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन्ना टुला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इनमें से कौन एक रक्त चूषक है, रक्त चूषक इनमें से कौन सा है, ऐसा ये कह रहा है। कह रहा है कि हिरुडेनेरिया है, कि तारामीन है, पैरामीसियम ओबिलिया। आप जानते हैं रक्त चूषक कौन है दोस्त? ये है हिरुडेनेरिया, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है लीच में गमन किसके द्वारा होता है, लीच में गमन किसके द्वारा होता है, ऐसा 13 नंबर में कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कह रहा है पैरापोडिया द्वारा, पैर द्वारा, हाइड्रोस्केल्टन, सीटी। इसका सही उत्तर है हाइड्रोस्केल्टन द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रोस्केल्टन द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए अगला। अच्छा एक बात और बता दें, हाइड्रोस्केल्टन किसे कहते हैं? कि इनके शरीर के भीतर में ये गुहा होती है और वह द्रव से भरी होती है। ठीक है, और वो एकदम बिल्कुल कंकाल की तरह कार्य करती है, जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्केल्टन ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा केचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है, केचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। कह रहा है किसके प्रति? कह रहा है प्रकाश के प्रति, गुरुत्व के प्रति, रसायन के प्रति, कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? रसायन के प्रति। सी इसका सही उत्तर है केमिकल के प्रति, कैसा सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, चलिए देखिए एक बात और बता दें, इसमें केमो रिसेप्टर भी होता है और फोटो रिसेप्टर भी होता है, समझ रहे हैं? तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 नंबर में देखिए। 15 नंबर कह रहा है स्टेटोसिस्ट अंग है, स्टेटोसिस्ट किसके लिए कार्य करता है? कह रहा है कि सुरक्षा के लिए होता है, कि आक्रमण के लिए होता है, कि संतुलन के लिए, कि रासायनिक संवेदना ग्रहण करने के लिए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है संतुलन के लिए है। किसके लिए? संतुलन के लिए। सी इसका सही उत्तर है बैलेंस के लिए। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है अकशेरुकी प्राणुओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अकशेरुकी प्राणुओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कह रहा है लाल रुधिर कणिकाओं में, कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में, रक्त प्लाज्मा में, थ्रोम्बोसाइट्स में। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका सही उत्तर है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, क्या है? ब्लड प्लाज्मा इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर है। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखा जाए भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है, हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है। कह रहा है तिलचट्टा, केचुआ, खरगोश, कबूतर। तो इसका सही उत्तर है केचुआ। ठीक है, केचुआ भी इसका सही उत्तर, अर्थवर्म में ये क्या करता है? घुला रहता है। हीमोग्लोबिन केचुआ के रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है। अगला देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर में नेरिस में हेट्रोनेरिस, नेरिस से हेट्रोनेरिस, नेरिस से कहाँ? हेट्रोनेरिस के रूपांतरण के दौरान क्या परिवर्तन होता है? कह रहा है क्या परिवर्तन होता है जब नेरिस से किस में बनता है वो? हेट्रोनेरिस में। कह रहा है कि आँखें छोटी हो जाती हैं, शरीर के पश्च भाग में बड़ी पैरापोडिया हो जाती हैं। जी बिल्कुल, यही इसका सही उत्तर है बी नंबर। शरीर के पश्च भाग में पैरापोडिया जो होती हैं वो कैसे हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं, समझ रहे हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेट्रोनेरिस कहते हैं। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अर्थवर्म, केचुआ, लीच और सेंटीपीड में क्या समानता है? केचुआ, लीच और सेंटीपीड में क्या समानता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि सभी में मैलपीघी नलिकाएँ होती हैं, सभी में नालवत तंत्रिका रज्वधर में होती हैं, सभी द्विलिंगी हैं, सभी में पैर नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर क्या है भाई? इस सभी में जो है वेंट्रल नर्व कार्ड होती हैं। क्या होती हैं? सभी में वेंट्रल नर्व कार्ड होती हैं, अर्थात नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो गया दोस्त? इसका सही उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं आर्थोपोडा से लेकर के। देखिए आर्थोपोडा में अब यहाँ पर कह रहा है कि पेरिपेटस किस वर्ग में आता है, कौन? पेरिपेटस कह रहा है किस वर्ग में आता है, यहाँ क्लास पूछ रहा है पेरिपेटस का। कह रहा है क्रस्टेशिया में आता है, आंकोफोरा, इंसेक्टा की अरेक्निडा में। किस में आता है? तो ये आता है आंकोफोरा में। किस में आता है? आंकोफोरा में आता है, कौन? पेरिपेटस। ठीक है, अगला देख लीजिए। देखिए पेरिपेटस को किसके किसके बीच की कड़ी कहा जाता है? एनिलिडा और आर्थोपोडा के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। किसको? पेरिपेटस को। तो इसको पाई आप याद रखेंगे तो हो जाएगा पी फार पेरिपेटस, ए फार एनिलिडा, ए फार आर्थोपोडा। एनिलिडा आर्थोपोडा के बीच की कड़ी है पेरिपेटस। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 21 नंबर कह रहा है कि कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है क्या कहलाते हैं? कीट जिसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, उसे क्या कहते हैं? कह रहा है उसे कहते हैं होलो मेटाबोलस कहते हैं, कि हेमी मोटा मेटाबोलस, ए मेटाबोलस, कोई नहीं। तो उसे कहते हैं होलो मेटाबोलस, क्योंकि पूरी तरीके से वहाँ मेटामॉर्फोसिस होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए इसका सही उत्तर हो गया दोस्त। ठीक है, अगर पूरी तरीका अंतरण होता है तो उसे होलो मेटाबोलस कहते हैं।
अपूर्ण होता है तो इसे हेमी कहते हैं, अकायंत्रण अगर नहीं होता है तो उसे एमेटाबोलस कहते हैं, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर में कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास हॉपर एंड एफिड्स इज, ठीक है, कह रहा है ग्रास हॉपर और एफिड में जो डेवलपमेंट होता है कैसे होता है, मतलब टिड्डों तथा एफिड्स का अकायंत्रण कैसा होता है। कह रहा है कि अब यहाँ पर कैसा होता है, कह रहा है एमेटाबोलस होता है, क्या अब दूसरा कह रहा है कि पारोमेटाबोलस प्रकार का होता है, पारोमेटाबोलस प्रकार का होता है, कह रहा है कि हीमोमेटाबोलस प्रकार का होता है कि होलोमेटाबोलस प्रकार का होता है, इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है पारोमेटाबोलस प्रकार का होता है, कैसा होता है पारोमेटाबोलस प्रकार का होता है, इसका सही उत्तर हो गया बी, ठीक है, कैसा हो गया बी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको देखिए 23 नंबर में कह रहा है सिल्क मौत की सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं, जो सिल्क मौत होता है उसकी सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं, कह रहा है कौन सी ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं, कह रहा है कि कोलेटरल ग्लैंड है कि मशरूम ग्लैंड है कि लार ग्रंथि की एनल ग्लैंड, इसका सही उत्तर क्या है लार ग्रंथियां होती हैं, क्या होती हैं जो सिल्क ग्रंथियां होती हैं क्या होती हैं लार ग्रंथियां होती हैं, इसका सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर कह रहा है सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं, अब फिर से वही आ गया ना, सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं तो भैया किसके रूपांतरित हुई, अभी मैंने बताया लार ग्रंथि की, तो इसका ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, उसको देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कीटों के कायंत्रण में सम्मिलित है, कीटों के कायंत्रण में कौन सम्मिलित है ऐसा यह प्रश्न कह रहा है, समझ रहे हैं, कह रहा है कि केवल किशोर हार्मोन, केवल एक्डाइसोन, किशोर हार्मोन एवं एक्डाइसोन दोनों फेरामोन्स, इसका सही उत्तर है किशोर हार्मोन तथा एक्डाइसोन दोनों, सी इसका सही उत्तर है बोथ जुवेनाइल हार्मोन एंड एक्डाइसोन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है उसको देख लीजिए, कह रहा है कि काकरोच में कायंत्रण मुख्यतः नियंत्रित होता है, काकरोच में कायंत्रण मुख्यतः नियंत्रित होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ऐसा कह रहा है, कह रहा है कि कार्पोरा कार्डियाका द्वारा, प्रोथोरा ग्रंथि द्वारा, कार्पोरा इलाटा द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, इसका सही उत्तर है कार्पोरा इलाटा द्वारा, ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रेशम सबसे अच्छा है, निम्न में से कौन सा रेशम सबसे अच्छा है, कह रहा है टसर सिल्क है कि ईरी सिल्क है, मलबरी सिल्क, नन ऑफ द अबव, इसका सबसे अच्छा कौन है दोस्त, वो है मलबरी सिल्क, कौन सा, अरे मल मल पा गए तो फिर क्या मतलब बढ़िया है, समझ रहे हैं, तो मलबरी सिल्क इसका सही उत्तर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है काइटिन युक्त वाह्य कंकाल पाया जाता है, काइटिन युक्त वाह्य कंकाल किस में पाया जाता है दोस्त, कह रहा है पक्षियों में, मेढकों में, कछुआ में, कीटों में, तो किस में पाया जाता है कीटों में, किस में होता है इंसेक्ट में वाह्य कंकाल होता है, ठीक है, किसका काइटिन युक्त होता है। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है 29 नंबर का, कह रहा है कि आर्थ्रोपोड को थल पर जीवित रहने में किसने अधिकतम सहायता की, आर्थ्रोपोडा को थल पर जीवित रहने के लिए कौन अधिकतम सहायता किया उसकी, कह रहा है काइटिन युक्त चर्म यूरिकम उत्सर्जन, कह रहा है कि सर्वभक्षी स्वभाव, यूरकोटेलिक एक्सक्रीशन, यहाँ कह रहा है कि ज्वाइंटेड अपेजेज की, ओमनीवोरस हैबिट की, काइटिनस की उटकिल, इसका सही उत्तर है काइटिनस की उटकिल, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि बहुत जो आर्थ्रोपोडा हैं, आर्थ्रोपोडा बहुत ही सफल स्थली जंतु हैं, क्योंकि इसकी सफलता के तीन प्रमुख कारण है, एक काइटिनी क्यूटकिल हो गया, एक संचित उपांग हो गया और जोड़ीदार पंख हो गया, समझ रहे हैं, यही होते हैं। चलिए अगला देखिए, इसमें से जो काइटिनी उपचर्म होता है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है उसको देखिए, 30 नंबर में कह रहा है काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है, कह रहा है पक्षियों में पाया जाता है कि मछलियों में कि कीटों में कि कछुआ में, तो किसमें पाया जाता है भाई काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, अभी मैंने बात किया किसमें पाया जाता है इंसेक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूबोनिक प्लेग का वाहक है, इंसेक्ट ऑफ वेक्टर इन ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है, ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कौन सा कीट है ऐसा कह रहा है, इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, कौन, जीनोफिला, जीनोफिला इसका, जीनोपसिला, नॉट जीनोफिलो, जीनोपसिला इसका सही उत्तर है, और यह पीजीटी 2004-2013 दोनों यह सत्र में आया हुआ है यह क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है झींगा मछली के उत्सर्जी अंग है, झींगा मछली में उत्सर्जी अंग क्या, कह रहा है कि ग्रीन ग्लैंड है कि कोक्सल ग्लैंड है कि मलपीगियन है कि ट्रैकी है, तो इसका सही उत्तर है ग्रीन ग्लैंड, क्या है दोस्त, इसका सही उत्तर है ग्रीन ग्लैंड, ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है संघ आर्थोपोडा में उत्सर्जन होता है, संघ आर्थोपोडा में उत्सर्जन कैसा होता है ऐसा कह रहा है, कह रहा है कि कुंडलित वृक्क द्वारा, ग्रीन ग्लैंड द्वारा, वृक्क द्वारा, इनमें से कोई नहीं, बाई नेफ्रिडिया, बाई ग्रीन ग्लैंड, बाई किडनी और नन ऑफ दीज, इसका सही उत्तर है बाई ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, इसका बी इसका सही उत्तर है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34, अब यहाँ कह रहा है कि हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जी हैं, हरित ग्रंथियाँ किस में उत्सर्जी हैं, कह रहा है प्रॉन में, किच्छू में, केचुआ में, पाइलम, इसका सही उत्तर है प्रॉन में, किस में, प्रॉन में, ग्रीन ग्लैंड, इसकी ऑर्गन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कह रहा है श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है, श्वसन नाल किसके लार्वा में
पाई जाती है, ऐसा यह प्रश्न कह रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? कह रहा घरेलू मक्खी में क्यूलेक्स मेनाफिलीज सिल्कवर्म। इसका सही उत्तर है क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा में श्वसन नाल पाई जाती है। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका? बी इसका सही उत्तर हो गया क्यूलेक्स। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि तिलचट्टे का अंडा है, तिलचट्टे का अंडा कैसा होता है? कह रहा आइसोलेस्थल, मेजोलेस्थल, टीलोलेस्थल, सेंट्रोलेस्थल। तो तिलचट्टे का जो अंडा होता है उसमें योग की मात्रा बहुत अधिक होती है, अर्थात यह कैसा होता है? यह होता है मैक्रोलेसिथल। इसमें पीत मध्य में केंद्रित होता है, समझ रहे हैं? इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है, तो यह देखिए जब इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म हो जाए तब इसे आप क्या कहेंगे? सेंट्रोलेस्थल। अर्थात इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, क्या है? डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि द मोस्ट स्वॉलन सेगमेंट इन द लार्ज इन द लेग ऑफ काक्रोच इज। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड क्या होता है? तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड क्या होता है? कह रहा है कोक्सा होता है, फीमर होता है, ट्रोकाइंटर होता है, और कह रहा है कि टार्सस। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है कोक्सा। क्या है? कोक्सा सबसे ज़्यादा फूला हुआ। देखिए तिलचट्टे के पैर में 5 भाग होते हैं, एक कोक्सा होता है, ट्रोकाइंटर होता है, फीमर होता है, टीबिया और टार्सस होता है, जिसमें से कोक्सा सबसे अधिक फूला हुआ भाग होता है और टीबिया जो होता है वो सबसे लंबा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि लाख उत्पन्न होता है, लाख कह रहा है उत्पन्न होता है, कह रहा है केवल नर कीट द्वारा कि केवल मादा कीट द्वारा, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम। कह रहा नर कीट द्वारा अधिक और मादा कीट द्वारा कम। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी। सी नंबर इसका सही, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम होता है। ठीक है, इसका जो लाख होता है भाई, भारत में लाख जो है लसीफर लक्का नामक कीट द्वारा उत्पन्न होता है। जानते हैं इसकी मादा जो है विपरीत मौसम में अंडे देने के लिए पीपल, ढाक, बरगद इन सभी वृक्षों पर सुरक्षात्मक घोंसले के निर्माण के लिए लाख का श्रावण करती है। लाख के उत्पादन में नर कीट की भूमिका गौड़ होती है, आप समझ रहे हैं, कम होती है इसकी, जबकि अधिकांश मात्रा मादा कीट द्वारा ही उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि चट्टानी मक्खी है, जो चट्टानी मक्खी होती है कह रहा है कौन सी होती है? कह रहा है कि एपिस फ्लोरिया है, कि एपिस डेंडिका है, एपिस डॉर्सेटा है, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये चट्टानी मक्खी का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब ऐसी मक्खी जो अपने जो छत्ता है वो कहाँ लगाती है? चट्टान या विशालकाय वृक्ष के तनों के नीचे कॉलोनी में लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? एपिस डॉर्सेटा। तो समझ रहे हैं, इसे बोम्बारा भी कहते हैं, सारंग कहते हैं भैया, बहुत खतरनाक होती है एपिस डॉर्सेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि टाइम्स टेकन इन बीकमिंग एडल्ट बाई क्वीन वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एपिस इंडिका रिस्पेक्टिवली। कर एपिस इंडिका की रानी, श्रमिक और ड्रोन को वयस्क बनने में जो समय लगता है वो क्रमशः कितने दिन का समय लगता है? यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है कर 16, 21, 24, 25, 30, 33, 10, 15 इसका सही उत्तर है ए, 16, 21 और 24। ठीक है, 16 और 21 और 24। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए इसका राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं, कह रहा है मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि जनदहीन मादा, जनदहीन नर, बंध मादा, बंध नर, इसमें कौन होते हैं भाई मधुमक्खी समाज में श्रमिक? श्रमिक कौन होते हैं? वो होते हैं स्टेराइल फीमेल। कौन होते हैं? स्टेराइल फीमेल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं श्रमिक। ठीक है, देखिए जो ड्रोन होता है वो फर्टाइल मेल होता है। कौन? ड्रोन जो होता है, मैंने बताया कि वो फर्टाइल क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, और जो रानी होती है फर्टाइल फीमेल होती है, और जो वर्कर होते हैं स्टेराइल फीमेल होते हैं। ठीक है, स्टेराइल फीमेल वर्कर होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है साधारणतया क्रस्टेशिया का डिम्बक होता है, जो क्रस्टेशिया है उसका डिम्बक कैसा होता है? इसका मतलब कह रहा है कॉमन क्रस्टेशियन लार्वा इज। ठीक है, तो इसका कॉमन जो क्रस्टेशियन का लार्वा है वो कौन है? कह रहा है कि एलिमा है, कि जोइया है, कि प्रोटोजोइया है, कि नोप्लियस है। तो इसका सही उत्तर है नोप्लियस है। कौन सा? नोप्लियस। इसका सही उत्तर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है 43 नंबर का उसको भी देख लीजिए। 43 कह रहा है नीचे दिए गए रोगों की सूची का अवलोकन करें, मलेरिया, अमीबियाई, पेचिस, डेंगू बुखार, पीत ज्वर, फील पाँव, हैजा, तपेदिक, मच्छरों व घरेलू मक्खी द्वारा फैलाई गई बीमारियों की संख्या है। कह रहा 4 मच्छर 3 घरेलू मक्खी, कह रहा तीसरा 3 मच्छर 4 घरेलू मक्खी, ऐसा ये कह रहा है इसमें से, समझ रहे हैं कि कौन किसके द्वारा फैलता है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका जो सही उत्तर है, ध्यान दीजिए, तो 4 मॉस्किटो, समझ रहे हैं कौन? मॉस्किटो द्वारा। देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 क्या? मॉस्किटो द्वारा, और 3 क्या? कह रहा है कि घरेलू मक्खी द्वारा, समझ रहे हैं, ये बीमारियां फैलाई जाती हैं।
मच्छरों द्वारा और मक्खियों द्वारा, ठीक है। अब चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त, इसका राइट आंसर हो गया ए, ठीक है, क्योंकि मच्छर द्वारा मलेरिया, डेंगू पीड़ित, ज्वर, अफील पाँव फैलता है, जबकि मक्खी द्वारा पेचिस, हैजा तथा तपेदिक फैलता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है उसको देख लीजिए, कह रहा है कि टसर सिल्क वर्म इज, टसर सिल्क वर्म क्या है इसमें से, ऐसा कह रहा है एंथ्रेसिया माइलिट्टा है, एंथ्रेसिया माइलिट्टा है कि एंथ्रेसिया आसामेंसिस है, समझ रहे, कह रहा है बोम्बेक्स मोराई कि चौथा कह रहा है फिलोसोमिया रिसिनी। इसका सही उत्तर क्या है, एंथ्रेसिया माइलिट्टा, ठीक है, इसका ए सही उत्तर है जो है टसर सिल्क वर्म है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है टसर सिल्क प्राप्त होती है, बताइए टसर सिल्क, अब यहाँ कह रहा है कि किससे प्राप्त होती है, ऐसा ये पूछ रहा है, टसर सिल्क ऑब्टेंड फ्रॉम, कह रहा है यहाँ पर बॉम्बेक्स मुराई से कह रहा है कि प्राप्त होती है, कि कह रहा है कि एंथ्रेसिया पैफिया से, कि कह रहा है एटैकस रिसनी से, कि इन सभी से, तो किससे प्राप्त होता है टसर सिल्क, किससे प्राप्त होता है दोस्त, तो ये प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, एंथेरिया पैफिया से, किससे, एंथेरिया पैफिया से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है उसको देखिए, 46 नंबर में कह रहा है एंथ्रेसिया आसमेंसिस से प्राप्त होता है, ऐसी एंथेसिया आसमानसिस से क्या प्राप्त होता है दोस्त, यहाँ पर ऐसा कह रहा है एरी सिल्क, टसर सिल्क, मरबली सिल्क, मूंगा सिल्क, इससे क्या प्राप्त होता है, मूंगा सिल्क प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का, कह रहा है कि फगारा रेशम बनता है कोकून से, किसके कोकून से, फगारा रेशम बनता है, फगारा सिल्क जो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोकून ऑफ, किसके कोकून से बनता है ऐसा कह रहा है, कह रहा है एंथेसिया माइलिट्टा, करा सैमिया सिंथियारिसिनिस के, करा अटैकस एटलस, तो इसका सही उत्तर क्या है, अटैकस एटलस के, ठीक है, अटैकस एटलस के कोकून से ही फगारा रेशम बनता है, इसका सही उत्तर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है कि पहली मौन में हेस्टेट प्लेट पाई जाती है, पहली मौन में, इन पहलियो मौन हेस्टेट प्लेट इज फाउंड इन, हेस्टेट जो प्लेट होती है पहलियो मौन में, कह रहा है इसमें पाई जाती, कह रहा है कि मध्यांत्र में, पश्चांत्र में, पाइलोरिक आमाशय में, कार्डियक आमाशय में, इसका सही उत्तर क्या है, कार्डियक स्टोमक में, ठीक है, किसमें, कार्डियक स्टोक में पाई जाती, क्योंकि पाइलियोमोन के आमाशय में दो कक्ष होते हैं, एक पाइलोरिक और कार्डियक, समझ रहे हैं, कार्डियक भाग में नीचे की तरफ मध्य अधर सतह पर एक बड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, हेस्टेट प्लेट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हेस्टेट प्लेट कहते हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 49 नंबर का, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिस्पायर थ्रो बुक लंग्स, ठीक है, बुक लंग्स के द्वारा कौन सा इसमें कह रहा है कि श्वसन करता है, ऐसा ये पूछ रहा है, कह रहा है किंग क्रैब में, कि बिच्छू में, कि प्रॉन में, ऑक्टोपस में, तो इसका सही उत्तर क्या है, बिच्छू, ठीक है, स्कॉर्पियन में होता है, किसके द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा श्वसन होता है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, 50 नंबर, कह रहा है कि मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद होता है, मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, कह रहा है कि गुआनिन होता है, यूरिया, एलेंटॉन की अमोनिया, इसका सही उत्तर है गुआनिन, कौन है दोस्त, इसका सही उत्तर है गुआनिन, मकड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, गुआनिन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन उसको देख लीजिए, कह रहा है पेब्रिन रोग होता है, पेब्रिन, कह रहा है पेब्रिन रोग होता है, कह रहा है लाख के कीड़ों में, कि रेशम के कीड़ों में, मुर्गियों में, कि मधुमक्खियों में, तो ये जो पेब्रिन है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ऐसा आ गया घुमा करके भाई, तो कह रहा किस में होता है, ऐसा ये कह रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, कह रहा है लाख इंसेक्ट, सिल्क वर्म, चिकन, हनी बी, इसका राइट आंसर है सिल्क वर्म, क्या है दोस्त, रेशम के कीड़ों में, रेशम के कीड़ों में क्या होता है, पेब्रिन होता है। आप सोचिए कि आप पेब्रिन क्या है, पेब्रिन रोग है, ठीक है, जो रेशम के कीड़ों में होता है, यह एक आनुवंशिक रोग है जो एक प्रोटोजोआ नोसेमा द्वारा उत्पन्न होता है, आपको बता दें यह एंडो द्वारा प्रसारित होता है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर का क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए, 52 नंबर का कह रहा है नर पैलीमोन में अपेंडिक्स मैस्कुलाइना स्थित होता है, नर पैलीमोन में अपेंडिक्स मैस्कुलाइना कह रहा है कहाँ उपस्थित होता है, ठीक है, कह रहा है कि दूसरे चलन टांगों पर, दूसरे प्लवपाद पर, मतलब कह रहा है सेकेंड प्लियोपॉड, कह रहा है थर्ड प्लियोपॉड, एंटीन्यूल, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सेकेंड प्लियोपॉड पर, किस पे होता है दोस्त, सेकेंड प्लियोपॉड पर होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए भाई, अगला प्रश्न कर रहा है बॉम्बेक्स मुराई किस वर्ग के अंतर्गत आता है, बॉम्बेक्स मुराई किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ऐसा ये पूछ रहा है, कर रहा है कि लेपिडोप्टेरा, डायोप्टेरा, कि हाइमनेप्टोरा, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं बॉम्बेक्स मुराई की, तो ये मुख्य रूप से सामान्यता सिल्क वर्म या सिल्क मोथ इसे कहते हैं, ये एक प्रकार का मोथ है, इसका जो क्लास है
इंसेक्टा है। क्या है मेरे दोस्त इसका क्लास? इंसेक्टा। अब यहाँ क्लास देखिए क्या पूछा है, क्लास ही ना पूछा है, इंसेक्टा कहीं दिया है? नहीं दिया ना, तो इसका हो गया ननाब्दी। जबकि इसका आर्डर है लेपिडोप्टेरा। क्या है आर्डर है? क्या? लेपिडोप्टेरा। ठीक है, तो यहाँ क्लास तो है ही नहीं इंसेक्टा, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर का क्वेश्चन। इसको क्या कह रहा है कि 54 नंबर में कह रहा है कि दीमकों द्वारा प्रदर्शित ट्रोफोलैक्सिस होता है, दीमकों द्वारा प्रदर्शित ट्रोफोलैक्सिस होता है। कह रहा है कहाँ होता है? कि सदस्यों के बीच रासायनिक संवाद, दो लिंगों के बीच फिरामोन आधारित युग्मन, सदस्यों के बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान। कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है बिल्कुल सदस्यों के बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड सिक्रीटिंग एमंग सिक्रीशन एमंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है सी, सदस्यों के बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान होता है दीमकों द्वारा प्रदर्शित क्या? ट्रोफोलैक्सिस होता है। ठीक है, अगला क्या कहें, अगला प्रश्न उसको भी देख लीजिए, 55 नंबर का। कह रहा है प्रोथोरैसिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, प्रोथोरैसिक ग्रंथियां कह रहा है पाई जाती हैं किसमें? कह रहा है कि टीनिया में, कि पेरिप्लेनेटा में, टीनिया में, पेरिप्लेनेटा में, पाइला में, हिरुडिनेरिया में। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पेरिप्लेनेटा में पाई जाती हैं। क्या? प्रोथोरैसिक ग्लैंड। ठीक है, पेरिप्लेनेटा या काकरोच में तीन प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, कार्पोरेलाटा पाई जाती है, कार्पोरा कार्डियक पाई जाती है, और प्रोथोरैसिक जो ग्लैंड होती है, समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? पेरिप्लेनेटा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि मकड़ियों के स्पिन रेट्स जो सिल्क युक्त धागों का श्रवण करते हैं स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? ऐसा कह रहा है इंटीरियर ऑफ द एनस। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द एनस। कह रहा है इन द माउथ, इन द चिलिसरी। कह रहा है इन द पेडीपल्पी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर जो है मेरे दोस्त, हम आपको बता दें, इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, गुदा के अग्रभाग पर, अर्थात इंटीरियर ऑफ द एनस। ठीक है, मकड़ियों में शरीर के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो प्रोसोमा होता है तथा दूसरा क्या होता है? अपिस्थोसोमा होता है। अपिस्थोसोमा भाग पर स्फिनरेट्स या स्पिनिंग अंग होते हैं जो गुदा के अग्रभाग पर स्थित होते हैं, और यही जाला निर्माण के लिए क्या करते हैं? सिल्क युक्त धागों का श्रावण करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है उसको देखिए, 57 नंबर कह रहा है कि पेरिपेटस में आर्थ्रोपोडा समान संरचना है, पेरिपेटस में आर्थ्रोपोडा के समान संरचना है। कह रहा है कौन सी संरचना है? कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा के समान कैसी कौन सी संरचना है पेरिपेटस में? ठीक है, क्योंकि पेरिपेटस को जानते हैं कि किसके बीच की कड़ी कहा जाता है, एनीलिडा आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा से क्या समानता रखता है? कह रहा है खंड युक्त मेटानेफ्रीडिया जोड़ीदार उपांग। तो जी बिल्कुल, इसमें क्या होते हैं? जोड़ीदार उपांग ही होते हैं। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा समानता रखता है। इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी। बी इसका राइट आंसर है, पेयर्ड अपेंडेजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले प्रश्न की तरफ चलें, 58 नंबर। कह रहा है इनमें से कौन सामाजिक कीट है, बताइए। कह रहा है कौन इसमें से सामाजिक कीट है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका सामाजिक कीट कौन है मेरे भाई? कह रहा है कि कैलोटर्मस है, कि साइमेक्स है, कि बॉम्बेक्स है, कि मेंटिस है। सामाजिक कीट इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, कैलोटर्मस, कैलोटर्मस। देखिए, ऐसे जंतु जो कॉलोनी में, समूह में रहते हैं तथा इनके बीच के सदस्यों में परस्पर सहयोग भाव होता है, सामाजिक जंतु कहलाते हैं। जो कैलोटर्मस है यही एक ऐसा कीट है, समझ रहे हैं, जो कॉलोनी में, समूह में रहता है, जिस जो कैसा होता है, ये होता है सामाजिक कीट। ठीक है, अगला 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है सिल्क वर्म की कोकून निर्माण के बाद की प्रक्रिया है, समझ रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया है? सिल्क वर्म की कोकून निर्माण के बाद की प्रक्रिया कौन सी है? कह रहा है थीमिंग है, कि स्टिफलिंग है, कि रियरिंग है, कि प्रूनिंग है। तो इसका सही उत्तर है स्टिफलिंग। कौन सा है? स्टिफलिंग इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 60 नंबर का क्वेश्चन, उसको क्या कह रहा है? कह रहा है जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप है, जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप कौन सा है, ऐसा ये कह रहा है। कह रहा है माइसिस है, कि एलिमा है, कि मेगालोपा है, कि साइप्रिस है। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है माइसिस। ठीक है, माइसिस इसका राइट आंसर है ए। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।